नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा भोजपुरी का प्रोग्राम भोजपुरिया टॉप 5। भोजपुरी टॉप 5 में हम आपको बताते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के वो तमाम ऐसी खबरें जो आपके सुपरस्टार की फिल्मों के साथ और उनके पर्सनल लाइफ के साथ जुड़ी हुई होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज भोजपुरी टॉप 5 खबरों की। सबसे पहले हम आपके सामने जो खबर लेकर आए हैं वो खबर है भोजपुरी इंडस्ट्री के बेस्ट सिंगर कहे जाने वाले रितेश पांडे के बारे में। जी हाँ, रितेश पांडे की अब उन्होंने सिंगर से वो बेहतरीन सिंगर तो थे ही, अब उन्होंने वो एक एक्टिंग बेहतर एक्टर बनने की भी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने एक्टिंग के करियर में अपना कदम रख दिया है। जी हाँ, उनकी जो फिल्म है इस समय वो कर्म युद्ध का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। क्या है इस ट्रेलर में खास, आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो वहीं हमारी जो दूसरी खबर होगी वो है भोजपुरी इंडस्ट्री की मृगनैनी कही जाने वाली अक्षरा सिंह। जी हाँ, अक्षरा सिंह अभी हाल ही में पवन सिंह के जो प्रोग्राम हुआ था उनके गाने को सुपर डुपर हिट होने पर उस एक पार्टी रखा गया था जिस पार्टी में पवन और अक्षरा एक साथ मौजूद थे। भाई इन्हें तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री का लव वर्ड कह सकते हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब भी कोई इन्हें एक साथ दिखता है तो उन्हें प्यार का एहसास जरूर होने लगता है। इसके साथ ही साथ हमारी जो तीसरी खबर है जुड़ी हुई वो है आम्रपाली दुबे। भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में आम्रपाली दुबे जो नंबर वन बनकर बैठी हुई हैं, ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है क्योंकि वो नंबर वन बनना डिजर्व करती हैं। जी हाँ, आम्रपाली देखा जा रहा है कि पिछले एक सप्ताह से आम्रपाली इन दिनों खबरों में लगातार बनी हुई है और इस बार भी आम्रपाली को लेकर के एक खास खबर आई है कि आम्रपाली मीडिया के सामने भड़क गई थी। भाई कहाँ ऐसा हुआ था, आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। इसके साथ ही साथ हमारी जो तीसरी खबर होगी वो है भोजपुरी इंडस्ट्री की लुलिया। जी हाँ, लुलिया और अरविंद अकेला कल्लू के बारे में। ये दोनों होटल में पकड़े गए। भाई ये दोनों होटल में अकेले क्या कर रहे थे, बहुत जानना दिलचस्प होगा, आप हमारे इस रिपोर्ट में देखिएगा। इसके साथ ही साथ हमारी जो पांचवी और आखिरी खबर होगी वो है आम्रपाली को लेकर के। जी हाँ, वो आम्रपाली दुबे की जब शादी होगी तो सोच, जब आम्रपाली की शादी की रील में खबरें फैलती हैं तो इतना ज़्यादा तहलका मच जाता है। सोचिए जब उनकी रियल में शादी होगी तो फैंस का क्या हाल होगा। भाई इस बार भी आम्रपाली ने अपने शादी को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया है, वो क्या है आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज भोजपुरी के टॉप 5 खबरें और देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट। अमृत फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी भोजपुरी फिल्म कर्मयुग का ट्रेलर आउट हो चुका है। इतना ही नहीं बल्कि रिलीज के कुछ समय बाद से ही देखते ये वायरल भी हो गया। वेब म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज इस फिल्म के ट्रेलर को महज 20 घंटे से कम में ही 2,62,000 से ज्यादा बार देखा गया। कर्मयुग की कहानी आम जिंदगी के काफी करीब है, जिसमें लव, इमोशंस, कॉमेडी, एक्शन का सामंजस्य होता है। ट्रेलर की बात करें तो इसमें भरपूर एक्शन और शानदार डायलॉग्स दर्शकों को आकर्षित करने वाले हैं। रितेश पांडे ने नाबा स्टंट्स के निर्देशन में कमाल के एक्शन मोड में नजर आए। इसके अलावा रितेश पांडे और भोजपुरी इंडस्ट्री की फिटनेस क्वीन गार्गी पंडित यानी प्रियंका पंडित के साथ केमिस्ट्री भी काफी शानदार है। कर्मयुग आज के जमाने की फिल्म है। इसकी कहानी मौजूदा दौर में घट रही घटनाओं के काफी करीब है। ट्रेलर को मिल रहे रिस्पॉन्स से हमें पूरा भरोसा है कि फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। फिल्म कर्मयुग में रितेश पांडे और गार्गी पंडित के अलावा निशा दुबे, संजय पांडे, लक्ष्य, गिरीश शर्मा, अयाज खान, सोनी दुबे, संजय वर्मा व बाल कलाकार इशिता पाल भी मुख्य भूमिका में है। रितेश पांडे के शानदार एक्शन से सजी फिल्म में दर्शकों को सत्या फिल्म की हल्की फुल्की झलक याद आ सकती है। रितेश की मीठी आवाज से सजे इस फिल्म के सारे गानों से आप मनमोहित हो उठेंगे। तो वहीं रितेश और प्रियंका पंडित की लव केमिस्ट्री भी दर्शकों का ध्यान खींचने में मददगार साबित होगी।
भोजपुरिया राजा पवन सिंह के साथ उनकर नया फिल्म के पहला पोस्टर रिलीज होके के साथ साथ उनकर गाना के सुपरहिट होके वाला पार्टी में पवन सिंह के फिल्म में हमसफर अक्षरा सिंह भी मौजूद रहली और साथ ही जे अवार्ड से उनकरा के सम्मानित कैल गए वो अवार्ड पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ शेयर कैली जे समय के फोटो रउआ लोगन देखते ही बानी और उसके साथ ही आप पवन अक्षरा सिंह दोनों ही अपन इंस्टाग्राम पर अपन साथ के फोटो शेयर कर लिखले बानी कि हमार फिल्म और गाना कितना प्यार देवे खातिर हम अपन दर्शक लोगन के शुक्रिया अदा करत बानी साथ ही हमनी के जोड़ी के नंबर वन बनावे खातिर भी रउआ लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे पवन और अक्षरा सिंह के प्यार भी दर्शक लोगन के पसंद आवता और शायद यही वजह से पवन और अक्षरा के दोस्ती हर कोनो के पसंद दावता और यही वजह से उनकर फिल्म के भी दर्शक लोगन काफी पसंद करत बाड़े। खैर इस समय पर पवन और अक्षरा सिंह के फिल्म जे आवे वाला हो फिल्म के नाम बा चलो भाग चले। January 31, 2018 को आम्रपाली निरहुआ की नई फिल्म का मुहूर्त काफी धूमधाम के साथ किया गया जिस पार्टी के दौरान वहां पर भोजपुरी के तमाम स्टार मौजूद थे। इसके साथ ही उस पार्टी में भोजपुरिया राजा पवन सिंह भी मौजूद रहे और इसी बीच पवन सिंह आम्रपाली निरहुआ से जब मीडिया ने बात करना चाहा तो उस समय आम्रपाली थोड़ी मीडिया से नाराज हो गई। देखिए इस वीडियो में। कोई भी हम लोग को नहीं मारेगा, आप बस कुछ बोलो, हम लोग को कोई नहीं मारेगा। एक बार साइलेंट कर दीजिए ना। रेडी कैमरा? हाँ रेडी है, चलो। मौसम ही है मौसम बहुत रेडी भाई। भोजपुरी राजा के हीरोइन लुलिया ए दिन पवन के छोट भाई यानी कि अरविंद अकेला कल्लू के साथ इश्क फरमा रहल बिया। जी हाँ, सोशल मीडिया पे एक खबर के मुताबिक लुलिया के साथ है भोजपुरी के सबसे यंग एक्टर अरविंद अकेला कल्लू ये दोनों जन होटल में दिखाई देले बड़े। जी हाँ, वैसे रउआ लोगन के बात बता दी कि ये दोनों होटल गए बनी एक खबर सच्चा, लेकिन ये दोनों जन होटल अपन फिल्म के सीन शूट करे खातिर गए रहनी। वीडियो के मुताबिक कल्लू और लुलिया अपन नया आवे वाला फिल्म के शूटिंग करत रहनी। जी हाँ, जे फिल्म के नाम हाँ मैं नागिन तू सपेरा, जे फिल्म के लेकर के काफी ज्यादा चर्चा हो रहा बा। एक साथ ही रउआ लोगन के बता दी कि ए फिल्म के अलावा लुलिया के गैंगस्टर दुल्हनिया फिल्म भी आवे वाला है। जे फिल्म में लुलिया के पहला बार उनकर फैन और दर्शक लोगन उनकरा के एक्शन करत देखी। जी हाँ, तब वही दूसर तरफ कल्लू भी साल 2017 में कई बैक टू बैक हिट फिल्म दे चुकल बाड़े और अब लुलिया और कल्लू के ए फिल्म भी दर्शक लोगन के काफी पसंद आई। ए दिन सोशल मीडिया पे आम्रपाली के खबर चारों तरफ खूब तेजी से फैल गई बा। जी हाँ, सबसे पहले आम्रपाली के हमनी नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के तरफ से उनकर गाना के सुपर हिट होके पर बधाई दे बनी। जी हाँ, एक साथ ही रउआ लोगन के बता दी कि आम्रपाली और चिंटू के लेकर के काफी ज्यादा खबर आ रहल बा। जी हाँ, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एगो फोटो वायरल भेल रहे जे फोटो में आम्रपाली और चिंटू फिल्म दिलवाले के गाना शूट करत रहनी। जी हाँ, आम्रपाली खेसारी पवन के बाद अब चिंटू के फिल्म में आइटम डांस करी जे गाना के शूटिंग भी हो गई बा। जी हाँ, वो गाना के शूटिंग के समय आम्रपाली और चिंटू एगो इंटरव्यू देले रहनी जे इंटरव्यू के दौरान चिंटू कहनी कि हम शादी कर रहल बानी वो भी आम्रपाली दुबे के साथ। जी हाँ, एक बाद आम्रपाली भी कहनी कि हाँ हमनी शादी कर रहल बानी लेकिन रियल में ना बल्कि रील में, और एक बाद आम्रपाली चिंटू से शादी करी लेकिन ए आबे वाला फिल्म में। जी हाँ, ए फिल्म में ना। आम्रपाली के ए बात से जाहिर हो गई कि बहुत जल्द आम्रपाली और चिंटू के फिल्म एक साथ आवे वाला है। तो देखा आपने
भोजपुरी की टॉप 5 खबरें जो कि आपके सुपरस्टार के साथ जुड़ी हुई थी। और सुबह सुबह हम कोशिश करते हैं कि कम समय में आपको अपने ज्यादा भोजपुरी खबरों से रूबरू करवाएं, क्योंकि भाई आप अपने सुपरस्टार्स के इतने बड़े फैन होते हैं, इतना अपना समय निकालते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कम समय में आपको आपके सुपरस्टार से जुड़ी हुई खबरें ज्यादा से ज्यादा आपको बता सके। और आपको आपका हम आपकी तरफ से आपको बताना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, वो आप हमारे इस प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए लिख करके बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। अब बात करते हैं हमारे दर्शकों की। भाई देखा गया कि लास्ट हमारे प्रोग्राम में पवन सिंह और खेसारी लाल को लेकर के दर्शकों का भरपूर मैसेज आया है, और सभी का ये कहना है कि पवन सिंह और खेसारी लाल सुपरस्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। अब भाई दोनों हीरो मिल गए हैं तो अब तो जायज सी बात है कि इनकी फैन फॉलोइंग और भी बढ़ जाएगी। चलिए अब ऐसे ही अपने मन पसंदीदा स्टारों के बारे में जानने के लिए, उनके उनसे जुड़ी कोई सवाल पूछने के लिए आप हमारे इस प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको कोई फिल्म की जानकारी भी लेनी हो तो आप हमारे इस प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ लीजिएगा। और इस प्रोग्राम में इतना ही। भोजपुरी की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया। मैं आपके सामने फिर से कल लेकर के हाजिर होंगी भोजपुरी की टॉप 5 खबरें जो कि आपके सुपरस्टार्स के साथ जुड़ी हुई होगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।